अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। 45 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी माउंटेन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि यात्रा एक या दो दिन में फिर से शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम 5:30 पर अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा था। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं बादल फटने के कारण पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। वहीं बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। कई श्रद्धालु लापता हैं और उनके तेज बहाव में बहने की आशंका है।